सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूँ आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज बात करने वाले SWP के बारे में। दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात करी थी ये सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान, मतलब कि कुछ लोग हैं जो इंस्टेंट पैसा लगा करके हर महीने कुछ अपना रिटर्न चाहते हैं। अब वो पूरा कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, और जिन लोगों ने नहीं समझा वो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि सर प्लान तो समझ में आ गया कैसे काम करता है, अब भैया बाइंग और सेलिंग कैसे करें? अब ये समझ नहीं आ रहा कि प्लान को एक्टिवेट कैसे करें, भाई हमारे पास पैसा है अब इसको कैसे हम लगाएं और कैसे इसको हम एक्टिवेट करें, तो इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेरी एडवाइस है कि ये जो SWP प्लान है ये थोड़ा सा रिस्की है। किस हिसाब से कि मान लेते हैं आपने आज पैसा लगाया और आज ही मार्केट डाउन हो गई, या अगले कुछ दिनों तक या अगले कुछ हफ्तों तक या अगले कुछ महीनों तक मार्केट लगातार डाउन हुई, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत तेजी से घटेगा, राइट। लेकिन एक इसमें प्रोटेक्शन क्या हो सकती है कि भैया हम इसको जो रिस्क है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप जो अपना पैसा लगाएंगे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाएंगे, आप अपने द्वारा बनाए गए इंडाइसिस या पोर्टफोलियो में नहीं लगाएंगे, आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी एनालिसिस नहीं करनी है इसके अंदर, आपको सबसे सेफली जो काम करना है वो काम करना है आपको लार्ज कैप इंडाइसिस में, आपको सिर्फ लार्ज कैप के इंडेक्स के ETF में पैसा लगाना है, अदरवाइज कोई दिमाग मत लगाइएगा नहीं तो पैसा आपका रिस्क में ही चले जाएगा। तो इंडेक्स में लगाने का तरीका क्या है? देखो इंडेक्स हम ऐसे नहीं खरीद सकते इन्वेस्टिंग के लिए। मैं कहता हूँ भाई Nifty 50 का इंडेक्स खरीद लो, कैसे खरीदोगे? 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक अलग अलग खरीदो वेटेज के हिसाब से, पॉसिबल है? हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो वेटेज जो है वो डेली बेसिस पे चेंज भी होती रहती है, वो डेली बेसिस पे आप कैसे चेंज कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए उसके बेसिस पे तो हो सकता है, लेकिन छोटा कैपिटल 5-10 लाख वाली बात नहीं है, या करोड़ों रुपए की बात है, अरबों रुपए की बात चली जाती है, तब जाकर के वो मैनेज हो पाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि किस हिसाब से भैया खरीद सकते हैं। तो सबसे बढ़िया होता है किसी भी इंडेक्स को खरीदने के लिए आप उसका ETF खरीद लीजिए। ETF क्या होता है? मान लेते हैं मैं Nifty 50 का ETF लॉन्च कर रहा हूँ, यानी ट्रेडिंग चाणक्य खोलना चाह रहा है या अनमोल मित्तल खोलना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास मैं लोगों से कहूंगा कि भैया आप मेरा ETF खरीद लीजिए और ये Nifty 50 का ETF है। अब उसके अंदर क्या होगा, जो Nifty 50 के जितने स्टॉक्स है वो मैं आपके पैसे इकट्ठे करके और उस ETF को बना दूंगा, जिस हिसाब से Nifty 50 ने अपना वेटेज रखा है मैं मैनेज करता रहूंगा उसको, वेटेज कम ज्यादा किसी स्टॉक का होगा मैं अपने आप करता रहूंगा, लेकिन जो उसका प्राइस होगा जो ETF मैंने बनाया वो बिल्कुल Nifty 50 का अकॉर्डिंग चलेगा, यानी 1% निफ्टी बढ़ा तो 1% वो बढ़ेगा, अगर 1% निफ्टी गिरा तो 1% वो गिरेगा। अब बात आती है कि भैया ETF खरीदना है तो क्या अनमोल मित्तल के पास ही जाए या ट्रेडिंग चाणक्य के पास जाए? बिल्कुल नहीं। ETF भैया कई कंपनी लॉन्च कर सकती है, कि कई बार किसी एक कंपनी का आपको ETF मिलता है, कई बार ETF मिलता ही नहीं किसी इंडेक्स का, और कई बार आपको बहुत सारी कंपनियों के ETF मिल जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है, वो जितना बढ़ेंगे उतना इंडेक्स से ही रिडायरेक्ट करते हैं, वो उतना ही उसके अंदर मैनेजमेंट है, वही स्टॉक का पोर्टफोलियो बना हुआ है, किसी भी ETF को खरीद सकते हैं, कुछ भी उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किसी ETF का प्राइस अगर 50 रुपए है तो जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ही परसेंट वो बढ़ेगा, किसी का अगर 500 रुपए है तो वो भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा, सिर्फ परसेंटेज को देखिए, प्राइस मत देखिए, क्योंकि वो रिडायरेक्ट उसी से कर रहा है, राइट। अब जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, देखो अगर आपको लगाना है SWP करना है तो SWP के लिए आपको जो मेरा सजेशन है, जो मेरा फेवरेट इंडेक्स है, सबसे पहले तो आप Nifty 50 को प्रेफर करिए। Nifty 50 को प्रेफर करेंगे थोड़ा सा पैसा आपको कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5 लाख में 5,000 रुपए का हमने बताया था, लेकिन यहाँ 5 लाख में से सिर्फ 4,000 ही मंथली आप निकाल पाएंगे, या 3,500 या 4,000, क्योंकि Nifty 50 में आपको जो रिटर्न है वो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कुछ भाई लोग है थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप एक काम कर सकते हैं Nifty 50 का एक उसके अंदर से ही 20 स्टॉक्स का निकाला हुआ एक इंडाइसिस है जिसको कहते हैं हम NV20,
यानी निफ्टी वैल्यू 20 यानी निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में से 20 स्टॉक्स ऐसे चुने गए हैं जो जिनका पी रेशियो कम है, जो वैल्यूबल है, थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी है और वो थोड़ा रिटर्न ज्यादा देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल उनका थोड़ा ज्यादा है, डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देते हैं, तो उस हिसाब से वो सिलेक्ट किए गए हैं, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर रिटर्न देते हैं। और सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है वो आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 17-18% के आसपास CAGR दे देता है, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको दे देता है। तो आप किसी भी इंडेक्स का ETF है या नहीं है या कितनी कंपनी ने लॉन्च करा कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, ये वेबसाइट है niftyindices.com niftyindices.com। यहाँ आप लिखेंगे गूगल पे niftyindices.com तो जो ऑप्शन आएगा आप उसको खोल लीजिए, ऐसा इंटरफेस आएगा आपको मोबाइल में, अगर खोलेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक गोला दिया गया, सर्कल दिया गया, अभी सर्कल में देखिए बहुत सारी चीजें दी गई है, स्ट्रेटेजी दी गई है, सेक्टरियल दिए गए हैं, ब्रॉड है, जी सेक्टर है, फिक्स्ड इनकम है, इक्विटी है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ दी गई है। तो आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा NV20 का जो ETF है वो स्ट्रेटेजी इंडाइसिस कहते हैं, यानी स्ट्रेटेजी से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर इंडाइसिस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इन इंडाइसिस के अंदर आपको सर्च करना है Nifty 50 Value 20 Index, ये देखिए Nifty 50 Value 20 Index, इसको क्लिक करिए। अब इसकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि किस बेसिस पे इंडेक्स बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड की गई है, किस किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए गए हैं, और सिलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि किस किस सेक्टर के कितना वेटेज यहाँ पर दिया गया है, मतलब वेटेज क्या है। तो यहाँ वेटेज IT का इतना है, फाइनेंशियल सर्विस का इतना है, कंज्यूमर गुड्स का इतना, ऑटोमोबाइल्स का इतना, मेटल एनर्जी का इतना है, तो यह सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे जब आ जाएंगे तो आपको नीचे दिया गया ETF लिस्टेड इन इंडिया, भैया ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस इंडस्ट्रीज के बेस पे ETF लॉन्च करा हुआ है और जिसको आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ETF ICICNV20 IVIN ETF और इसने ICICI ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा हमारे पास ETF अवेलेबल है जिसको कहते हैं R Shares NV20 ETF, ये रिलायंस ने लॉन्च करा है। तीसरा ETF है Kotak NV20 ETF, ये कोटेक महिंद्रा वालों ने लॉन्च करा है। यानी सेम ही चीज है, प्राइस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है लेकिन जितना वो बढ़ेंगे उतना ही वो बढ़ेंगे, फर्क कुछ नहीं है, किसी को भी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा जो है डीमेट अकाउंट का प्लेटफॉर्म है। अब आपने यहाँ पर देखा 3 कंपनियों के जो है यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। तो आपको अगर इसको खरीदना हो तो सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में आइए और इसको सर्च करिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर NV20, ठीक है। जब मैंने दोस्तों यहाँ NV20 करा तो आपको 3 सजेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ICICI, कोटेक और REL यानी रिलायंस, यानी तीनों ने लॉन्च करे हुए थे। अब मान लेते हम ICICI का खरीदना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए। अब ICICI का ऐड हो गया, और जब ICICI का ये ऐड हो गया तो कैसे खरीदना है आपको, तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। और बाय करने के बाद जो जिस तरीके से आप शेयर को खरीदते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसका जो प्रोसीजर है वो उसको कंप्लीट करेंगे, CNC पर जितनी क्वांटिटी खरीदनी है उतनी क्वांटिटी डालेंगे और उसको जाकर के सबमिट कर देंगे, और ये सबमिट होने के बाद ये जो है ETF आपका बाय हो जाएगा। सेल कैसे करना है, सेल करने का वही प्रोसीजर है जैसे अपने डीमैट अकाउंट में आप स्टॉक को सेल करते हैं, एग्जिट करते हैं, अपनी होल्डिंग है एग्जिट कर दीजिए, दैट्स इट। मतलब कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे शेयर खरीदना है वैसे ही खरीदना है, जैसे शेयर बेचना है वैसे ही बेचना है। अब बात आती है कि भैया जो SWP प्लान है उसके बेसिस पे कैसे करना है। तो मान लेते हैं आपको 5 लाख का खरीदना चाहते हैं ETF, राइट। ETF का प्राइस दोस्तों चल रहा है 54.36, तो यह हमारे पास कैलकुलेटर ओपन है। तो 5 लाख के अगर आपको खरीदने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ 5 लाख डालिए, 5 लाख, और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 54.36, और यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों आपको 9197 क्वांटिटी इसकी खरीद लेनी है, 9197 क्वांटिटी जैसी आप इसमें ऐड करेंगे तो 5 लाख की आपकी होल्डिंग बन जाएगी। जब दोस्तों ये होल्डिंग बन जाएगी तो आपको अब क्या करना है, अब भाई हर महीने पैसा कैसे निकालना है, तो हर महीने पैसा निकालने का क्या तरीका है कि जब अगले महीने की एक डेट फिक्स करिए कि आपको हर महीने इस डेट को पैसा चाहिए। मान लेते हमने एक डेट फिक्स करी कि मुझे हर महीने की 1 तारीख को पैसा चाहिए,
तो अगले महीने की 1 तारीख को अपना प्लेटफॉर्म खोलिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलिए। जब आप प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो आप देखिए कि इसका प्राइस कितना चल रहा है। मान लेते हैं इसका प्राइस 54 की जगह 57 हो जाता है, ठीक है, तो आपको कितने का विड्रॉल करना है? आपको 5000 रुपए चाहिए, और इसको यहाँ डिवाइड करिए कितने से, 57 से। जैसे आप 57 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कहेगा भाई 87.71, यानी या तो आप 87 क्वांटिटी बेच दीजिए या 88 क्वांटिटी बेच दीजिए। जैसे ही वो क्वांटिटी बेचेंगे 5000 रुपए के लगभग अमाउंट आपके पास आ जाएगा, आप उसको अपने बैंक में विड्रॉल कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको हर महीने जितनी भी कीमत चल रही है उसको 5000 से डिवाइड करके उतनी क्वांटिटी आप उसको बाहर कर लीजिए, और हर महीने आपको यही करते रहना है। इससे क्या होगा, आप इंडेक्सेस में काम करेंगे तो आपका पैसा प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा, और आप हर महीने SWP बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एडवाइस यही है कि सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्सेस में ही पैसा लगाना है। लार्ज कैप, ये भी लार्ज कैप इंडेक्सेस है, NV20, इसमें 20 स्टॉक्स जो है वो सारे लार्ज कैप है, निफ्टी 50 जो है वो भी लार्ज कैप है, तो आप किसी में से भी आप अपना पैसा लगाकर SWP कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।